की माँ आई आई मोना की माँ, मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि ये चने की दाल मत बनाया करो, मत बनाया करो, मेरे पेट में सीमेंट की तरह बैठ जाती है। और ऊपर से ये मक्की की रोटी तो ऐसी है जैसे सीमेंट पे ईंट रखी जाए। तुम तो मेरे पेट में मकान बनाकर छोड़ोगे। अरे ये लस्सी ले आई हो? चलो ताकि मकान पर सफेदी भी हो जाए। तौबा, वहम की दवा तो हकीम हुक्मान के पास भी न थी। हुक्मान नहीं बली लोग लुकमान, गलत जबान बोलकर और बदहज़मी न कर मुझे, सच्ची बात है। गणपत राय जी आइए आइए। पोस्टमैन जी नमस्ते। मोना बेटिया की चिट्ठी है, शिमले की मोहन नजर आती है। धन्यवाद धन्यवाद। लस्सी पियोगे पोस्टमैन जी? पोस्टमैन नहीं बली लोग पोस्टमैन पोस्टमैन। चलो जी एक ही बात है, अभी अभी साथ वाले घर से चाय पी के आया हूँ। सुना है मोना और मनोहर दोनों के ग्रेजुएट होने की खुशी में राय साहब कोई जलसा देने वाले हैं। क्यों ना हो, आखिर वो गांव के पहले ग्रेजुएट हैं। ओ ग्रेजुएट नहीं बाबा, ग्रेजुएट ग्रेजुएट। ओ तू तो मेरी जबान भी बिगाड़ देगी, ग्रेजुएट बाबा ग्रेजुएट। चलो जी क्या फर्क है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। क्या लिखा है जी इसमें? भाई पहले खाना खा लो, सच्ची बात है। हाय हाय, खाना तो रोज ही खाते हो, पहले चिट्ठी तो पढ़ो। अच्छा भाई पहले चिट्ठी पढ़ देता हूँ। शिमला कॉलेज शिमला, मेरे प्यारे माता पिताजी, मेरा नाम हमेशा पहले लिखती है। आपको सुनकर खुशी होगी कि मेरे पर्चे अच्छे हो गए हैं। मेरी मनोहर की शर्त लगी हुई है कि हम में से फर्स्ट कौन आएगा। यकीन है कि इसमें मनोहर की हार होगी। अभी तक बच्चों की तरह लड़ते हैं। पिताजी इस डिग्री के बाद मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। भगवान ने चाहा तो आपने जो कर्जा मेरी पढ़ाई के लिए राय साहब से लिया है वो जल्दी ही चुका दूंगी। आपकी सपुत्री मोना। देखा मेरी बच्ची कितनी सियानी हो गई। बिल्कुल अपने निहाल पर गई है। दीवान जी आइए, राय साहब आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। भाई बड़ी उम्र है आपकी राय साहब, अभी अभी मोना के खत में आप ही का जिक्र आया था। क्या लिखा है इस मोना ने? बेटी ने लिखा है कि राय साहब के पैसे आप जल्द ही अदा कर देंगे। नेवर माइंड नेवर माइंड। राय साहब के पिता मरने से कुछ देर पहले कह गए थे कि बेटा जरूरतमंदों की मदद करना। सच्ची बात है। तो कब आ रही है मिस मोना? बस थोड़े ही दिनों में मोना और मनोहर दोनों ही आ जाएंगे।
लेकिन ये मिस्टर मनोहर आपके रिश्ते से हैं? जी नहीं, मनोहर मेरे एक मरहूम दोस्त का लड़का है। बेचारा बचपन में ही यतीम हो गया था, इसे मैंने ही पाला पोसा है। नेवर माइंड। मिस मोना के आने की खुशी में राय साहब एक बहुत बड़ा जलसा देगा। राय साहब तो इस गांव में अंग्रेजी बोलने वालों की सूरत को तरसता है। बेशक। राय साहब के पिता अगर मरते वक्त कहना चाहते तो राय साहब इस गांव में कभी ना आते। सच्ची बात है। अच्छा। बस चलिए। हाँ, और देखिए मिस मोना को राय साहब का गुड लक लिख दीजिए। जरूर। गुड बाय मैडम। गुड बाय। तुम क्या मुर्गी की तरह ठोंग मारती, मुझे ऐसी हरकत जहर लगती है। सच्ची बात है। हाय, मैं मर गई। जालिम ने ताक के निशाने लगाया है। अरे ये क्या हल्ला गुल्ला है? देखा तुमने मना? मोना तुम्हें दिखता नहीं, बेचारी की आंख फूट जाती। आखिर खेल है, खेल में हाथ इधर उधर पड़ी जाता है। इनसे कहे कि अपनी आंखें बचा कर रखे। रेडी। अरे ज्यादा चोट तो नहीं आई शीला? जरा आंख पे फूंक मारी है। लाला आराम आया? थोड़ा सा। सॉरी। हाय मार डालेगी मुझे, जालिम का निशाना पक्का है। मोना क्या करूं, आखिर अंग्रेजी खेल है, हाथ इधर उधर पड़ी जाता है। चलिए जी। चैंपियन मोना। जान से मार डालूंगा। गला घोट दोगे क्या? ओ क्यों, छोड़ क्यों दिया? इसकी भी आंखें फोड़ो तो मजा आए। अरे भाई जाने दो ये हल्ला गुल्ला, आज कॉलेज का आखिरी दिन है, ये लड़ाई ठीक नहीं। आज के दिन सब अगली पिछली दुश्मनी भूल जानी चाहिए। ना जाने कौन कहां जाएगा, फिर जिंदगी में कब मुलाकात होगी। गम ना करो दोस्त, तुम कहीं नहीं जाओगे। पिछले 6 साल से तो इसी क्लास में हो, और भगवान ने चाहा तो आइंदा 6 साल इसी क्लास में रहोगे। अरे मूर्ख, जो मजा कॉलेज की जिंदगी में है, ना बल्ख ना बुखारा, कह गया ये आवारा। खुशीला हाँ, जो मजा यहाँ वो बाहर कहाँ। और कल रिजल्ट निकलने के बाद तुम भी लिखे जाओगे बेकार। अरे छोड़ो इन बातों को, और हल्ला गुल्ला करें। टू गुड म्यूजिक। चलो जल्दी करो। हाँ चलो 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 जल्दी जाओ, बैठ जाओ जल्दी। हाँ स्टूडेंट लोग, हाँ गीता म्यूजिक रेडी। 1 2 गुल्ला लाइला हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला लाइला हल्ला गुल्ला। ओ कुल्लम कुल्ला गाइला कुल्लम कुल्ला, कुल्लम कुल्ला गाइला कुल्लम कुल्ला। ऐश कर लो दोस्तों कॉलेज की दीवारों में, कर लो दोस्तों कॉलेज की दीवारों में। कल से लिखे जाओगे सबके सब बेकारों में,
कल से लिखे जाओगे सबके सब बेकारों में। छोटी मोटी नौकरी, छोटी मोटी नौकरी ढूंढोगे अखबारों में, आज नहीं तो कल मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। अरे दिल को ये समझाई ला, हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला लाएला, हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला पे हमने कल एक लड़की देखी जाइला, माल रोड पे हमने कल एक लड़की देखी जाइला, ठुमक ठुमक चलते चलते ठुमक 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 चलते चलते उसका गिरा रुमाइला, हमने दिया उठाइला लड़की दी मुस्काइला, हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला लाइला, हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला लाएला, हल्ला गुल्ला तो गाइला, खेल हुआ तो जाएला, हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला लाएला, हल्ला गुल्ला दाढ़ी मूछ उड़ाएला पागड़ बिल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला, हल्ला गुल्ला लड़की से शर्माएला रहमतुल्ला, हल्ला गुल्ला लाएला, हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला लाएला, हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला लाएला, हल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला लाएला, हल्ला गुल्ला। ये छात्रों का साल है, इसे पास होकर दिखाऊंगा फर्स्ट डिवीजन में। ये पास हम मेरी पिक्की के बनाने वाले। तुम्हारा नंबर नहीं है। हाँ, मेरा नंबर नहीं है। लो, फिर फेल हो गया। इन यूनिवर्सिटी वालों को मेरे साथ दुश्मनी है। शीला, मैं फिर फेल हो गया। मत घबराओ बीजू, हम दोनों की नाजुक हालत है, मैं भी फेल हो गई। शीला, आज से मेरे पापा मेरे सब अलाउंस बंद कर देगा। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का ये जवान कभी कामयाब होए। तुम फिक्र मत करो बीजू, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी दे दिया करूंगी। लेकिन देखो बीजू, तुम्हें मेरे एक काम करने पड़ेंगे। एक तो कई मनोहर। हेलो शीला। मुबारक हो मनोहर। शीला, मुझे अफसोस है कि तुम और बीजू दोनों फेल हो गए।
पहली दफा पास हो गया तो इतना एंश रहा है। अरे यहाँ तो हर मजबूर में दो दफा पास होकर छह साल भी कभी पास ना हुए। भाई ये दो दफा की अपने समझ में नहीं आई। इसमें समझने कौन सी बड़ी बात है, पहले साल एक मजमून में फेल, बाकी सब में पास। अच्छा। दूसरे साल उसमें पास, दूसरे में फेल। अच्छा। तीसरे साल उसमें फेल, उसमें पास, उसमें पास, उसमें फेल, उसमें फेल, उसमें पास, नरक के नतीजा फेल। भाई हमें तो यूनिवर्सिटी बदलनी पड़ेगी, वरना हम जैसे लाख स्टूडेंट्स का पास होना नामुमकिन। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। आप एक बार पूछता है। मुबारक हो, तुम भी अव्वल आए। जी हाँ, मैं तो हर साल ही अव्वल आता हूँ। और ये कहिए कि इत्तेफाक से इस साल आप भी अव्वल आ गई। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। और सुनो, आज शाम की गाड़ी से हमें गांव जाना है, वक्त पे पहुंच जाना। आप इत्मीनान रखिए, गाड़ी से पहले ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हो सकता है कि इन्हें गांव जाने की जरूरत ही ना पड़े। मनोहर, मैं तुमसे एक प्राइवेट बात करना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, तुमसे। मोना देवी आप जाइए, ये सवारी नहीं जाने की। ये सवारी नहीं जाने की। मनोहर, तुम तो जानते हो कि मुझे संगीत का कितना शौक है, और इसी शौक के पीछे मैं अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान न दे सकी। मैंने सोचा है कि कॉलेज छोड़कर एक मॉडर्न संगीत स्कूल खोला जाए, क्या ख्याल है तुम्हारा? अब बहुत उम्दा। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं, मुझे तो तुम जैसे आदमी की जरूरत है। तुम्हें गाने लिखने का शौक भी है, और अगर तुम और मैं मिलकर ये स्कूल चलाएं तो मुल्क में सबसे अच्छा स्कूल बन सकता है। तुम्हें नौकरी की तलाश भी होगी, और मैं खासी अच्छी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं शाम की गाड़ी से गांव जा रहा हूँ। शीला, मोना के? हाँ, मोना के साथ। बात यह है कि मोना के वालिदैन ने मुझे बचपन से पाला है। तो तुम्हें मेरी ये बात पसंद नहीं? नहीं शीला, ये बात नहीं, तुम्हारी बात तो बातें ही बनाते रहोगे, चलोगे नहीं? अच्छा शीला, नमस्ते। हल्ला गुल्ला। हेलो बीजी, चले हैं? टाटा। टाटा पड़ेगा घाटा। अच्छा भाई। क्यों, कुछ काम बना? नहीं, वो कमबख्त ऊपर से आते की घसे के लिए उसको। तुमने तो सारा हल्ला गुल्ला खराब कर दिया। मैंने? हाँ तुमने। तो तुम सब समझ गए ना, राय साहब तकरीर करते वक्त जब गर्दन पर यूं हाथ लगाकर इशारा करें तो तुम सब तालियां बजाना। हाँ कैसे? ऐसे। तो वो आ गए? आ गए। शुरू करो, शुरू करो। तशरीफ लाइए। आप भी इधर आइए ना। जी नहीं, मैं यहीं बैठती हूँ। तशरीफ रखिएगा। इस गांव का लैंडलॉर्ड होने की हैसियत से राय साहब, मिस मोना और मिस्टर मनोहर यहाँ के दो पहले ग्रेजुएटों को मुबारक पेश करता है। राय साहब के पिता जब मरने वाले थे तो उन्होंने नसीहत की थी कि बेटा, गांव में लड़कियों की तालीम को तरक्की देना। चुनाचे मिस मोना और इनके वालदेन अच्छी तरह जानते हैं कि राय साहब ने किस तरह मिस मोना की पढ़ाई में मदद करके अपने पिता की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया।
राय साहब के पिता ने आखिरी सांस लेते हुए कहा था कि बेटा शादी किसी ग्रेजुएट लड़की से करना, भगवान करे कि उनकी ये ख्वाहिश भी जल्द से जल्द पूरी हो, वरना उनकी रूह दोज़ख में तड़पती रहेगी। बड़े राय साहब कह रहे थे कि बेटा पाउडर लगाना तो इतना कि भूत नजारा। मोना बेटी, ये लो बेटी दूध पी लो। अरे बेटी, ये अंग्रेजी पाउडरों से रंग सफेद नहीं होता, रंग सफेद होता है दूध से। लो पी लो। बड़े राय साहब कह रहे थे, चल शैतान कहीं। बेटी, तेरे पिताजी को राय साहब के कर्जे की बहुत फिक्र लगी हुई, अब तो कोई ना कोई नौकरी तलाश कर लेनी चाहिए। तू क्यों फिक्र करती है माँ, शायद आजकल में अच्छी खबर आने वाली हो। तो क्या नौकरी के लिए कोई अर्जी भेज दी है? हाँ, लेकिन मनोहर से मत कहना, वो छेड़ेगा मुझे। मैं क्यों कहूँ, भगवान तुझे कोई अच्छी सी नौकरी दे। डाक है बीबी जी। अरे मेरी चिट्ठी। जी हाँ, ये चिट्ठी आपकी और दो चिट्ठी मनोहर बाबू की। नौकरी नहीं, जरा उनकी भी तो पढ़ूं। अच्छा तो जनाब मनोहर साहब ने भी मुझसे चोरी चोरी अर्जियां भेजी हैं, और जवाब में ठन ठन गोपाल। बड़े आए लाड साहब, ये असलियत है। मनोहर साहब। फरमाइए फरमाइए। आपने कोई नौकरी की अर्जियां भेजी हैं? मैंने साहब, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी को अर्जी वर्जी भेजूं? अरे जिन साहब को जरूरत होगी वो खुद मिस्टर मनोहर बीए फर्स्ट क्लास को बुलवा लेंगे। क्यों, क्या बात? कुछ नहीं, कुछ जरूरतमंदों ने आपको याद फरमाया है। याद फरमाया जी। लेकिन आपको कैसे पता चला? आपकी इन चिट्ठियों से, जो गलती से पोस्टमैन मुझे दे गया है। और आपने अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर उन्हें पढ़ लिया होगा। बेशर्म। मैं तो आपको खुशखबरी सुनाना चाहती थी। कितने आदमियों ने बुलवाया? सबों ने बुलवाया लगता है, पढ़ो तो। नो वैकेंसी, नौकरी नहीं मिली। कहते थे अजीत साहब 2000 की नौकरी को तो मैं ना कर चुका हूँ। थोथा चना और बाजे खाना। थोथी मूंगफली और दिखे फली। जरा देखिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। जरा ये भी तो पढ़िए। क्या है? आपका खत, जो शायद गलती से पोस्टमैन आप ही को दे गया था और आप पढ़ना भूल गए। हाँ हाँ, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसमें तो बिल्कुल मेरे जवाबों की नकल है। मोना, बात क्या है? कुछ नहीं, सोचती हूँ अगर पिताजी को पता चल गया तो वो बड़े निराश हो जाएंगे, उनकी सारी उम्मीदें हमारी नौकरियों पर थी ना। वो तो ठीक ही कहते थे, हम ही लोगों ने ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। लेकिन पिताजी से क्या कहेंगे? सुनो, मैं आज ही दिल्ली चला जाता हूँ। बात यह है कि खुद जाकर तलाश करने में नौकरी मिल जाएगी, और जैसे ही नौकरी मिल जाएगी मैं तुम्हें तार दे के बुलवा लूंगा। अगर नौकरी ना मिली तो माता पिताजी का दिल टूट जाएगा। मिलेगी क्यों नहीं, और फिर राय साहब भी तो कह गए हैं, बेटा नौकरी तलाश करनी हो तो ऐसी के शहर बदर हो जाओ। Thank you.
सुंदर नगरी में परियों की रानी रहती थी, परियों की रानी रहती थी। चांद की सुंदर नगरी में परियों की रानी रहती थी, परियों की रानी रहती थी। चांद की सुंदर नगरी में तारों की परियों की रानी रहती थी, जान की सुंदर नगरी में। फूल खिले थे उस नगरी में, कली कली लहराती थी, मुस्काती थी सारी बगिया, रानी जब मुस्काती थी। परियों की रानी रहती थी, परियों की रानी रहती थी, चांद की सुंदर नगरी में। एक दिन एक शहजादे ने कुछ देखा ऐसा सपना, सपने में रानी को देखा खो बैठा दिल अपना। उड़कर पहुंचा देश अनोखे, लेकर मन में आस दो नैनों में रची हुई थी, जन्म जन्म की प्यास। परियों की रानी रहती थी, परियों की रानी रहती थी, चांद सुंदर नगरी में। सोई हुई थी सुंदर रानी, सोई हुई थी सुंदर रानी, बंद पड़े थे नैन, जाग रहे थे लाखों फितने, जाग रहे थे लाखों फितने, करते थे बेचैन, करते थे बेचैन। आहट पाकर जागी रानी खुले नैन के द्वार, आहट पाकर जागी रानी खुले नैन के द्वार, जाग उठा अंगड़ाई लेकर, जाग उठा अंगड़ाई लेकर दो हृदयों में प्यार, जाग उठा अंगड़ाई लेकर, ठहरो। देखा आपने, मैं क्लास को गाना सिखा रही थी और इस आदमी ने आकर ये सीन खड़ा कर दिया। माफ कीजिएगा उस्तानी साहब, आप एक अच्छे खासे गाने को इस कदर फुसफुसे तरीके से गा रही थी कि मुझसे रहा न गया। देखा आपने, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुतालबा करती हूँ कि इस आदमी को फौरन पुलिस के हवाले कर दिया जाए। अच्छा जी, नमस्ते। ठहरो, मीटिंग। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मिस्टर, तुम शादीशुदा हो या कवारे? जी, आपका मतलब? मतलब ये कि हमारे स्कूल में कवारों को नौकरी नहीं मिल सकती। नौकरी? हाँ, अगर तुम शादीशुदा हो तुम्हें म्यूजिक मास्टर की जगह मिल जाए। नौकरी मिल सकती है? हाँ जी, मैं तो शादीशुदा हूँ। दांत दिखाओ। अगर मंजूर है तो सोच कर फौरन बोर्ड के सामने हाजिर हो जाओ। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बोर्ड ने फैसला किया है
कि मिस देवी की जगह मिस्टर मनोहर स्कूल के गाना मास्टर होंगे, और अगर उनकी बीवी ने डांस टेस्ट पास कर लिया तो उनको भी डांस मास्टर की नौकरी मिल जाए। मिस देवी को गाना मास्टर की जगह से हटाकर वर्जिश मास्टर मुकर्रर किया जाता है। वर्जिश? मगर मैंने तो वर्जिश कभी नहीं की। वर्जिश कराने के लिए वर्जिश करने की जरूरत नहीं होती मिस देवी। अब आप जा सकती हैं मिस देवी, यानी कि मनोहर साहब। मनोहर बाबू, आपकी बीवी मिसेज मनोहर कब तक आ सकती हैं? जी आज ही मैं तार दिए देता। ठीक है, आप बैठ जाएं। उनका नाम क्या है? मिस मोना। ओह, मेरा मतलब है मोना देवी। ओह, तो आपको स्कूल की सब शर्तें कबूल है क्या? जी हाँ, मगर एक बात है, आप उन्हें मिसेज मनोहर न कहिए, मोना देवी। वो क्यों? बात यह है कि उन्हें जरा अंग्रेजी तरीका पसंद नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक दरखास्त है बोर्ड साहब, मेरा मतलब डायरेक्टर साहब। कहो कहो कहो। मुझे और मेरी बीवी को रिहाइश के लिए अलग अलग कमरे। मियां बीवी के लिए अलग अलग कमरे, वो क्यों? बात यह है कि अभी अभी हमारे खानदान में एक मौत हो चुकी है, इसलिए हम लोग कुछ महीनों के लिए इकट्ठे नहीं रह सकते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपको अलहदा कमरे मिल जाएंगे, बीच में चोर दरवाजे वाले। मोना की माँ, आज तो फली फली इकट्ठे कर दिए हैं, मेरे पेट में बाग बनाने का इरादा है। हाय हाय, जंगल में राम सीता भी तो फल फूल ही खाते थे। राम सीता नहीं, भले लोग सीता राम। जानती नहीं, लेडियों का नाम पहले आता है। आता होगा। दीवान जी, आपका तार है। लो, पोस्टी मैन आ गया। मोना देवी के नाम तार है जी। तार जी? मोना बेटी, तुम्हारा तार आया है। ये हम तो बड़े अच्छे हैं जी, मगर अभी खट्टे हैं। खट्टे हैं? हाँ। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। किसका तार है माँ? पढ़ के देख लो बेटी, जरूर मनोहर का होगा। जरा जल्दी पढ़ो ना बेटी। मनोहर को नौकरी मिल गई और मुझे भी। मुझे फौरन देनी बुलाया है, रहने का इंतजाम होते ही मैं जल्दी आप दोनों को बुला लूंगी। कितने की नौकरी मिली है बेटी? 300 रुपए की। और फिर बड़े राय साहब भी तो मरने से 50 घंटे पहले कह गए थे कि बेटा नौकरी करा तो ऐसी के राज करो। आइए राय साहब। पर दीवान साहब, नौकरी भी कोई करने की चीज है, और फिर लड़कियों के लिए अगर कुछ करना ही है तो बैठे राज करें। माफ करना राय साहब, मैं जरा ऐसे ही। नेवर माइंड। राय साहब बैठिए ना, तशरीफ रखिए। आप भी बैठिए ना दीवान साहब। राय साहब, भगवान ने चाहा तो हम जल्दी आपका कर्जा चुका देंगे। कर्जा? नेवर माइंड। राय साहब को ये बहुत बुरा लगा कि मिस मोना नौकरी करने दिल्ली जा रही है। राय साहब तो चाहता था कि मिस मोना का और अपना नेवर माइंड। मेरा मतलब है राय साहब कि आपका कर्जा जल्दी चुका देंगे। माता जी, मैं सफर की तैयारी करती हूँ। मोना जरा चंचल है और कुछ नहीं। जी हाँ, मिस मोना ठीक कहती हैं। अब आप राय साहब का कर्जा जल्दी चुका ही दीजिए। गुड बाय मैडम। फिर वही मुर्गे की तरह। सुनो तो, राय साहब कुछ नाराज हो गया है, थोड़ी देर शतरीफ भी नहीं रखी। ओ शतरीफ नहीं, बने लोग तशरीफ। वो भी तो नहीं रखी। ओहो, अरे ब्राउन ही तुम्हारा डांस देखते ही पसंद कर लेंगे, समझे? नमस्ते। अच्छा, तो ये है आपकी? जी हाँ, ये है मेरी मोना जी। नमस्ते। ये आपकी सहेली कौन है? अरे मेरी सहेली नहीं है, ये यहाँ की बैंड मास्टर, मेरा मतलब है कि वर्जिश मास्टर है।
अच्छा देखो, मतलब ये है कि ये लोग अंग्रेजी तरीका पसंद नहीं करते, जरा पुराने ख्याल के आते। बात क्या है, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। अरे पगली, अभी दाल बनी कहाँ कि काला भी नजर आने लगा। अरे वाह, टोलू राम, अनवर हुसैन, पीटर चराग मसीह, ये सबके सब नमूने इकट्ठे किए हुए। ये सबके सब डायरेक्टर हैं। हाँ वही होंगे। बेस्ट, सख्त, वेरी सख्त, वेरी वेरी सख्त, गुड। आइए, ये है मोना देवी। नमस्ते। नमस्ते, तशरीफ रखिए। अच्छा तो आप हैं इनके जीवन साथी? जीवन साथी? हाँ हाँ, इनका मतलब है बचपन में साथ खेले हुए। जी हाँ, हम बचपन से साथ ही रहते हैं। गुड। अच्छा तो फिर अब आप इनका डांस कब देखिएगा? हाँ देखिए, परसों हमारे स्कूल का सालाना जलसा होने वाला है, उसमें गाने वगैरह का प्रोग्राम भी होगा, उसी में आपका डांस टेस्ट भी हो जाएगा। कोई अच्छा सा डांस गाना हो। आप इत्मीनान रखिए, गाना तो ये बहुत उम्दा गाती है। गुड, मालूम तो ऐसे ही होता है। और हाँ, आप लोगों के रहने के लिए कमरों का इंतजाम भी कर दिया गया है। और कमरे अलग दिए गए हैं? जी, अलहदा कमरे तो चाहिए ही। और उसमें चोर दरवाजा भी है। चोर दरवाजा? हाँ हाँ, यानी कि चोर को चोरी से पकड़वाने वाला, यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं। अच्छा उठो, अब चले। नमस्ते। नमस्ते। देखा तुमने, यहाँ चोरियाँ भी बहुत होती हैं। बोले
अभी इंतजार थोड़ा सा अच्छा लग रहा है निगाहों से प्यार थोड़ा सा गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड मोना देवी आपने तो बस कमाल ही कर दिया कल सुबह से काम शुरू कर दे मीटिंग अब आप जाकर आराम कर सकते हैं अच्छा नमस्ते मीटिंग हाथ मिलाओ मिल गई ना नौकरी थैंक यू अरे हाथ छोड़िए ये डायरेक्टर लोग कुछ और ना समझ ले यही तो डर है कि कुछ समझ न ले अच्छा क्या करते हो कुछ नहीं मक्खी बढ़ गई गुड नाइट गुड नाइट अरे तुम कहाँ चले आ रहे हो अपने कमरे में जाओ ना वो लोग देख रहे हैं क्या समझे इसीलिए तो मैं अंदर आया हूँ ताकि वो लोग भी समझ जाएं क्या समझ जाएं यही कि तुम कोई ऐसी वैसी लावारिस लड़की नहीं मैं तो तुम्हारा निगेबान हूँ कैसी अजीब सी बातें करते हो जरूर कुछ दाल में काला है शुक्र करो कि दाल और रोटी मिल गई अगर जरा सा काला हुआ भी तो क्या सच है मनोहर भगवान का शुक्र है कि दोनों को नौकरी मिल गई अब भी अच्छी सी जगह मिल जाए तो माता पिता को भी बुला ले हाँ ख्याल तो ठीक अरे तुम क्या कर रहे हो वाह जाओ ना अपने कमरे में तुम्हारी उस सहेली ने देख लिया तो क्या समझेगी तो आखिर इसमें हर्जी क्या है वाह हर्ज क्यों नहीं जाओ लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है तो क्या हमेशा खुला ही रहेगा मनोहर बाबू दरवाजा नहीं खुलता जी मैं देख रहा था कि दरवाजा मजबूत है कि नहीं मगर दरवाजा क्यों बंद कर दिया है मियां बीवी में पर्दा कैसा जी पर्दा बात यह है कि हमारे खानदान में जो मौत हो गई है ना उसी पर पर्दा डाल रहे थे मेरा मतलब है कि कुछ दिनों के लिए हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते भाई वाह ये तो नया रिवाज देखा है आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं मैं मोना को समझाती हूँ देखिए ऐसा ना कीजिए मोना बुरा मान जाएगी मनोहर बाबू आप फिक्र ना करें औरत की बात को समझती है मैं सब ठीक कर लेती हूँ मोना मियाँ बीवी को एक ही कमरे में रहना चाहिए दरवाजा खोल दो मियाँ बीवी मोना आप फिक्र न कीजिए दरवाजा खुद खुल जाएगा भाई मुझे तो ये बात बड़ी अजीब लगती है मैं अभी वापस आकर मोना को समझाती हूँ कि तुम दोनों को एक ही कमरे में रहना चाहिए एक कमरा तो क्या अब एक दुनिया में भी रहना मुश्किल हो जाएगा भगवान तू बचा अब दाल में से काला निकलने ही वाला है मोना जरा जल्दी से दरवाजा खोलना क्या बात है एक बहुत प्राइवेट बात है मोना जल्दी से दरवाजा खोलो फौरन बतलाओ मिस्टर मनोहर ये मियां बीवी का क्या किस्सा है बात यह है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि इस स्कूल में कुंवारों को नौकरी नहीं मिली अच्छा तो इसलिए जनाब ने कहा होगा कि हम दोनों शादीशुदा हैं मुझे तो पहले ही शक था कि दाल में जरूर कुछ काला है इतना सा ही तो काला है और कुछ नहीं शर्म नहीं आती शर्म कर लो या नौकरी मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी सोच लो माता पिता का क्या होगा राय साहब के कर्जे का क्या होगा और फिर बड़े राय साहब भी तो कह गए हैं बेटा इससे तो अच्छा था कि मैं राय साहब से ब्याह कर लेती बड़े शौक से मैं तो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ वाह ये अच्छी भलाई है खामखा मुझे बदनाम कर रहे हो अरे बाबा अभी ये नौकरी कर लेते हैं जब दूसरी मिल जाएगी तो ये छोड़ देंगे मुझे तो नौकरी की फिक्र है तुम्हारे शौहर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं तो माफ कीजिए जनाब मुझे तुम्हारी बीवी बनने की कोई ख्वाहिश नहीं बड़े ऐलान साहब सुनिए तो क्यों जी मियां बीवी का झगड़ा अब तक जारी है मोना देवी जी तुम्हारे यहाँ कोई मर जाए तो क्या मियां बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते मर जाए हाँ वो जो राय साहब के पिताजी मर गए थे ना जी हाँ मरते वक्त कह गए थे मोना देवी तुम्हारे यहाँ ब्याहता औरतें मांग में सिंदूर नहीं भरती क्या
मैंने कहा जी, मैंने आपको सिंदूर लाने को कहा था। हाँ हाँ, वो दरवाजा जो बंद था मैं सुन नहीं सका। आप तो मेरी हर बात सुनी अनसुनी कर देते हैं। मिल जो गई हूँ मासूम। अरे रे रे, अरे भाई रो क्यों रही हो, कल सुबह सबसे पहले तुम्हारे लिए सिंदूर ले आऊंगा। अरे भाई मैं कहा मियां बीवी के झगड़े में फंस गई। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा जी, जी आउट। मैंने कहा जी आई एम गेटिंग आउट। अच्छा तैयार रेडी। वन टू मुझे देखो भाई। हाँ जी चक्कर आ रहे हैं। हैरान चक्कर आते हैं। आज ना जाने क्या खा लिया, सुबह से जी भी मतला रहा है। जी भी मतला आता है। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हाय राम, जी भी मतला आता है। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब। क्या है? हाय मोना देवी बहुत थक गई हैं। थक गई हैं? तो हम क्या करें, क्या उनके पाँव दबाए? हाय राम आप समझते नहीं, आप औरत होते तो झट समझ जाते। उनको चक्कर आने लगे हैं। चक्कर आते हैं? चक्कर आते हैं तो हम क्या करें? हाय राम आप समझते क्यों नहीं, भगवान आपको औरत बनाता तो पता लग जाता। मोना देवी का जी मत लाता है। ओ अगर हम औरत होते तो कभी हमारा भी जी मत लाता। तुम जाओ और मनोहर बाबू को फौरन हमारे पास भेज दो और उसके बाद मोना देवी को भी हमारे पास भेज दो। हाय राम अभी भेजती हूँ। हाय राम आप क्या होगा, छोटा सा मुन्ना। अगर मुन्नी हुई तो? नहीं नहीं मुन्ना ही होगा, हमारा फैसला है। और हाँ उसके लिए घोड़ा गाड़ी मोटर सब खिलौने लाने पड़ेंगे। मनोहर आया, आपने मुझे बुलवाया, आइए आइए। गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। अच्छा अच्छा तो ये बताइए उसका नाम क्या रखोगे? जी इस दफा गाने का तो नाम मैं शाम सवेरा रखू। गाने का नहीं भाई बच्चे का। बच्चे का? हाय राम औरत होते तो झट समझ जाते। मोना देवी को चक्कर आ रहे हैं। मोना को चक्कर आ रहे हैं? भगवान तुम्हें औरत बुलाता तो फिर पता चलता। अरे भाई मोना देवी का जी मत लाने लगा है, अब समझे? ओ ओ नहीं नहीं, ये आपको किसने बताया? ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। शर्माओ नहीं बेटे, हमें तो पक्का पता लग गया है। पक्का पता लग गया है? हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुबारक हो मुबारक हो। हाँ भाई बड़ी खुशी की बात है। गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। और हाँ भाई हमारे स्कूल में तो बच्चे वाले टीचर को बहुत सी रियायतें भी मिलती है। ये बिल्कुल गलत है, आपने मोना देवी को तो नहीं कहा। वाह हम वाला मोना देवी से क्यों कहने लगे? बेटे ये तो तुम्हारा मियां बीवी का आपस का मामला है, क्यों जी? अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ देखो बेटा हमें तो लड़का चाहिए, लड़का। भूला रहे आपने मुझे बुलाया? आओ आओ बेटी। अब तबीयत कैसी है? आप तो अच्छी हूँ। अरे वजन उठा रखा है? जी ये तो मेरी म्यूजिक की फाइल। नहीं नहीं अब तुमको वजन नहीं उठाना चाहिए बेटी, लाओ मुझे दो।
बैठ जाओ। अरे देखते क्या हो, कुर्सी लाओ ना भाई, जल्दी करो कुर्सी लाओ। आओ बेटी बैठ जाओ। मोना देवी हम तुम पर बहुत खुश। शुक्रिया, अभी तो मैंने काम शुरू ही किया है। सच पूछिए तो मैं आजकल काम करते करते थक जाती हूँ। हमें मालूम है, और आपसे पहले भी एक उस्तानी को ऐसे ही होता था। उसे चक्कर भी आते थे। चक्कर आते थे? वो तो मुझे भी आते हैं। हमें मालूम है। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जरूर जरूर जी। मैं अपने माता पिता को अपने पास बुलाना चाहती हूँ आजकल। हाँ हाँ, आजकल तो तुम्हारे माता पिता जरूर तुम्हारे पास होने चाहिए, न जाने क्या हो। वैसे तो उनके आने तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हम तुम्हारी जरूरत की सब चीजें ला देंगे, और तुम्हारे लिए दवाइयों का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ तो नहीं जो दवाइयों की जरूरत पड़े। ये तो मामूली थकावट है। ओ, हमें सब मालूम है, शुरू शुरू में मामूली थकावट ही होती है। जी कुछ नहीं कुछ नहीं, मीटिंग। हाँ बेटी, तो आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपया महीने कर दी गई है। 400? हाँ, और देखो अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े हमें फौरन बता देना। शुक्रिया, मैं आप लोगों की बहुत एहसान मंद। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा चलिए, और देखो हाँ ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं। नमस्ते। नमस्ते। ओह मेरी ख्वाहिश। अच्छा तुम जाओ, मैं चपरासी के हाथ भेज दूंगा। देखा तुमने कितनी अच्छी लड़की है। मोना घबराओ नहीं, आज मैं तुम्हें अपने कमरे से नहीं निकालूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, और जानते हो दरा के लोग मुझसे कितने खुश हैं। वो तो मैं जानता हूँ। जानता हूँ, जलते क्यों हो जनाब। वो मेरे कान से इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, जानोगे तो हैरान हो जाओगे। हैरान तो हो रहा। मैं जाकर खड़ी हुई तो तीनों के तीनों भागे आए। अच्छा, और तनख्वाह भी तो 400 कर दी है। 400? और कहने लगे कि आजकल तुम्हारे माता पिता जरूर तुम्हारे पास होने चाहिए। आजकल? आजकल नहीं जनाब, बल्कि हमेशा। समझिए। वो तो मैं समझ रहा हूँ। हमेशा पर... समझते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे? औरत होता तो कुछ करता। अच्छा जी, तो जनाब समझते हैं कि मैं औरत हूँ, इसलिए मुझसे रियायतें हुई है। जी जी, बेचारे कितने अच्छे आदमी है। कहने लगे कि तुम्हारे लिए दवाई है और दूसरी चीजें भी ला देंगे। उनको फिक्र हो गई है कि मुझे चक्कर क्यों आते हैं। मोना पर मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बात क्या सुनूं, तुम तो खूब जल रहे होगे। बेटा माफ करना, बहुत नाजुक वक्त पर दखल दिया है। जी हाँ बहुत नाजुक वक्त है। कोई बात नहीं, आइए आइए। बेटी जी, हमारे पास एक अच्छी सी दवाई थी, मैंने सोचा बेटी को दे आए। ये लो। शुक्रिया, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामखा तकलीफ की। अरे तुम खड़ी हो, बेटी तुम्हारे लिए खड़े रहना अच्छा नहीं। बैठो बैठो, हाँ बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। इससे थकावट भी नहीं होगी और चक्कर भी नहीं आएंगे, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा अब हम चले। नमस्ते। नमस्ते। हाँ ये बच्चों की सेहत के लिए भी कमाल है, और इससे बच्चे भी बड़े तंदुरुस्त पैदा होते हैं। बच्चा और जच्चा के लिए। ओह बेशरम, आज तो तुम्हें जान से मार कर छोड़ूंगी। मैंने कुछ नहीं किया भगवान, कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। एक तो शादी का बहाना किया और ऊपर से ये। भगवान कसम उन्होंने खुद सोच लिया होगा। तुमने तो कहा था कि शादी हो चुकी है। वो तो सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए था। भाई वाह देवी जी, शादी का बहाना तो सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए किया गया था। मिस्टर एंड मिसेस मनोहर, जानते हो धोखे से नौकरी हासिल करने की क्या सजा है? 2 साल कैद सख्त। आपसे पहले भी 2 आदमी जेल जा चुके हैं। ये मामला मिस देवी की तरफ से बोर्ड के सामने पेश होकर पुलिस में पहुंचाया जाएगा। तब तक गुड लक मिस्टर एंड मिसेस मनोहर। अब क्या होगा? बदनामी, बेइज्जती और पैर। माँ बाप का दिल टूट जाएगा। अब क्या करें मनोहर? शादी,
तुम्हें अब भी मजाक सोचता है? मजाक नहीं मोना, इस इल्जाम से बचने का एक ही तरीका है, बोर्ड की मीटिंग से पहले हम दोनों शादी कर लें, ताकि धोखे के इल्जाम से बच जाएं और कैद भी न भुगतनी पड़े। वाह, बदनामी से बचने के लिए अच्छी शादी है। हालात कभी कभी ऐसी सूरत भी पैदा कर देते हैं जो इंसान सारी जिंदगी चाहता रहा। क्या मतलब? मेरा मतलब तुमसे छुपा हुआ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं और शायद किस्मत ने यह मौका इसीलिए दिया है कि जो मैं चाहता हूं वो पूरा हो। मोना, मैं तुमसे बचपन से प्रेम करता हूं। मैं भी यही सोचती हूं, लेकिन इस तरह तो अजीब सा लगता है। यह शादी और खाना आबादी नहीं, बल्कि शादी या जेल आबादी का सवाल है। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? वाह, यह भी अच्छी शादी है, कम से कम माता पिता को तो बुला लिया होता। अरे अब उन्हें बुलाने का वक्त नहीं, ये तो जान बचाने का सवाल है। अभी चल के किसी मजिस्ट्रेट के सामने शादी कर लेते हैं और सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ताकि कैद से तो छूट जाए। वारी किस्मत, पिया मिले भी तो जेल के सामने। और फिर बड़े राय साहब भी तो कह गए हैं कि बेटा शादी करना तो मजिस्ट्रेट के सामने और हनीमून जेल के सामने। अच्छा लो, अब आंसू पोंछ लो। वाह वाह वाह। अरे साहब का टोपा देखो, एम साहब का बाजा, ये ढोलक नत्थू धोबी की, ये कलकत्ते का राजा। आज मेरी बात सुनो भाई, मैं तो उसे इस गाड़ी में घुमाया करूंगा। माफ कीजिएगा, आप उसे इस गाड़ी में नहीं घुमा सकते। वाह, क्यों नहीं घुमा सकते? क्योंकि कोई घूमने वाला ही नहीं। मैं कौन सा आज घुमाने चला हूँ? हाँ, और फिर घूमने वाला कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। जी कभी नहीं आएगा। ये कैसे नहीं आएगा? क्योंकि मोना और मनोहर की अभी तक शादी नहीं हुई। क्या बकती हो? जी मनोहर ने नौकरी हासिल करने के लिए झूठ बोला, शादी नहीं हुई, दोनों ने मेरे सामने कबूल किया था। शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे होगा? हमें धोखा हुआ, सख्त धोखा, वेरी सख्त धोखा। मगर ये धोखा हुआ कैसे? शादी का तो मनोहर ने कहा था, ये बच्चे का किसने कहा था? वो तुमने खुद ही समझ लिया था। मैंने समझ लिया था? हाँ। और मोना देवी के लिए दवाई कौन लाया था? दवाई मैं लाया था। और ये खिलौने कौन लाया था? खिलौने तो मैं ही लाया था, ये बच्चा गाड़ियां कौन लाया था? आप कहते थे कि मैं बच्चे को सैर कराया करूंगा। बैड, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। दोनों बेईमान निकले, मैं दोनों को जेल भिजवा कर ही छोड़ूंगा। हाँ हाँ, आप उन्हें जेल भिजवाइए, मैं बच्चों को डांस गाना और वर्जिश दोनों सिखा सकती हूँ। शट अप, हम जानते हैं तुम्हारे लिए डांस गाना और वर्जिश दोनों एक ही चीज है। जाओ यहां से, गेट आउट। आया आया, आइए। तुम मोना मनोहर दोनों को हमारे पास भेज दो। जी वो तो अभी बाहर गए हैं। बाहर गए हैं तो उनको अंदर मत आने दो, एकदम निकाल दो फौरन। गेट आउट। शादी है, रजिस्टर भी नहीं मिला। लाओ लीजिए, दस्तखत लीजिए। क्या दस्तखत कर? अरे जल्दी करो ना बाबू, शादी ऐसी जबरदस्ती होती है। जी जी कुछ नहीं, बात यह है कि आज हमारी पहली मर्तबा शादी हो रही है। हाँ। ये जरा घबराई। अच्छा आप भी कीजिए। जी आज से आप मियां बीवी, मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस अदालत ने, ये आपकी शादी मेरा आखिरी शुभ काम है, कल से मैं रिटायर हो रहा हूँ। मुबारक हो। मुबारक। हाँ मुबारक, मुबारक। रस्म खत्म? जी हाँ खत्म। लेकिन ये तो एक मिनट भी नहीं हुआ। सिविल मैरिज ऐसे ही होती है, होते देर नहीं टूटते देर लगती है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते, जरा सर्टिफिकेट लीजिए। थैंक यू।
लो भाई ये रजिस्टर। हजूर मुंशी जी आ गए। नमस्ते हजूर। मुंशी दीवानचंद आज तुम बहुत देर से आए। हजूर रास्ते में साइकिल पंचर हो गया था इसलिए जरा देर हो गई। वो दोनों शादी करवाने के लिए आए थे, मैंने रजिस्टर ढूंढ कर ये रस्म अदा कर दी। हजूर आप शादी नहीं करवा सकते। शादी नहीं करवा सकते? हजूर आप कल से रिटायर हो चुके हैं। कल से? पर मुझे तो कल रिटायर होना है। हजूर सरकारी गजट के मुताबिक आप कल से रिटायर हो चुके हैं इसलिए ये शादी गैर कानूनी है। गजब हो गया। वो दोनों एक दूसरे को मियां बीवी समझेंगे। जाओ उन्हें इतला दो कि ये शादी नाजायज है। वो तो चले गए। तुम खुद जाओ। हाल्ट। अरे तुम डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? जहाँ आपका जाना मना है। तमीज से बात करो। अपनी हैसियत मत भूलो। हैसियत नहीं मगर नौकरी तो है। तुम लोगों के पास तो नौकरी भी नहीं। क्या बकती हो? वही बक रहे हैं जो डायरेक्टर साहब बक रहे थे। हैराम, मेरा मतलब ये है कि जो डायरेक्टर साहब फरमा रहे थे आपको डिस और आपको मिस, यानी के दोनों को डिसमिस। मगर हम तो शादीशुदा हैं। मैं खुद जाकर उनसे बात करूं। खैर ये रहा आपका सामान और वो रहा आपका रास्ता। डायरेक्टर साहब का ऑर्डर है कि आप फौरन स्कूल के बाहर वरना जेल के अंदर। वाहरी किस्मत, इधर शादी और इधर खाना बर्बादी। जैसे सारा कसूर मेरा। जी नहीं, कसूर तो मेरा। अब सामान उठाइए। पहले आप। लो। ये भी लो। अरे हाय राम, आप कैसे मरे थे जो सारा सामान उस गरीब पर लाद दिया। हाय राम। ना जाने सुबह किस मनहूस की शक्ल देखी थी। हाँ राम, जैसे मेरी शक्ल देखी हो। अब चलो भी। देखा कितना धोखा है। पहले आकर कहने लगे कि हम शादीशुदा। हाय राम। फिर पता चला कि शादी हुई ही नहीं। हाय राम। और अब फिर आकर कहते हैं कि हम शादीशुदा। हाय राम। शादी हो या ना हो मगर जोड़ी बड़ी प्यारी है। शड़ा। क्यों जी, वो साहब कहाँ है? कौन साहब? वो जो अभी अभी शादी करवा के आए हैं। शादी करवा के? हाँ हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? हाँ हाँ, जो शादी करवा के आए हैं मगर शादी नहीं हुई। शादी करवा के आए हैं मगर हुई नहीं। हाय राम। अरे भाई तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? अच्छा समझ गई, तुम्हारी शादी नहीं हुई। नहीं बाबा, बल्कि उनकी भी नहीं हुई, हालांकि हुई है। हाय राम, मेरी भी नहीं हुई। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ हाँ, क्या कर रही हैं आप? मैं तो आपको ये समझाने आया था कि उन दोनों की शादी नहीं हुई। ये तुमने कौन सी नई बात बताई है? अरे ये तो हमको पहले ही से मालूम था, इसीलिए तो उन दोनों को निकाल दिया गया है। और तुम भी जाओ अपना काम करो। हाँ हाँ, क्या कर रही है जी, यही तो मेरा काम है। मोना की माँ। क्या है? आए तो सुबह से मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ बना रही हो। मेरे पेट में हलवाई की दुकान खोलनी है क्या? हाय राम, खाते भी जाते हैं और रोते भी जाते हैं। मैंने तो मोना और मनोहर के लिए बनाई। अच्छा कुछ बात नहीं। सामान सारा बन गया? हाँ हाँ, अब तो एक मिनट यहाँ रहना दूभर हो गया है। जी करता है पंख लग जाए और उड़कर मोना के पास पहुंच जाओ। अरे तेरे उड़ने के लिए पंख भी तो हवाई जहाज के चाहिए। दीवान जी। आइए राय साहब आइए। नमस्ते। नमस्ते। तशरीफ रखिए। नेवर माइंड। राय साहब को आपका संदेशा अभी मिला तो आप शहर जा रहे हैं? जी, मोना बेटी ने बुलाया है, हम अब उसी के पास रहेंगे। और राय साहब के कर्जे का क्या होगा? राय साहब, कर्जा तो आपका चुका ही दिया जाएगा। मोना और मनोहर की दोनों की नौकरियां लग गई हैं, हम हर महीने आपको कुछ न कुछ भेजिया करेंगे। राय साहब इन झांसों में आने वाला नहीं। राय साहब का कर्जा चुकाए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? मगर हम तो सफर की सब तैयारियां भी कर चुके हैं, मोना इंतजार करती होगी। राय साहब इसका जिम्मेदार नहीं। राय साहब का कर्जा चुकाकर जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। मगर राय साहब आपका कर्जा रह तो नहीं जाएगा,
हम जाते ही आपको कुछ ना कुछ भेजना शुरू कर देंगे। नेवर माइंड नेवर माइंड, राय साहब के पूरे पैसे अदा करके आप इस घर से कदम बाहर रख सकते हैं, वरना राय साहब कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। रो मत मोना की मां, मैं अभी मोना को चिट्ठी लिख देता हूँ, पैसे फौरन आ जाएंगे। मगर हम सारे पैसे इकट्ठे भी तो नहीं दे सकते। राय साहब को इकट्ठे ही चाहिए, वरना ये सब सामान खुरा कर लिया जाएगा। लाला जी आपका तार है। नमस्ते राय साहब जी। नेवर माइंड, आपकी जबान मुबारक हो राय साहब, हम अब नहीं जाएंगे। क्या लिखा है? लिखा है दोनों की नौकरियां जाती रहीं, अभी मत आओ। राय साहब तो पहले ही जानता था कि उस मनोहर ने मिस मोना को धोखे से बुला लिया होगा। आजकल नौकरियां रखी कहाँ है, इसीलिए तो बड़े राय साहब मरने से कुछ देर पहले कह गए थे कि बेटा लड़के की शादी करो तो घर देखो ना कि लड़का देखो। एक दफा फिर सोच लीजिए, राय साहब का कर्जा चुकाने के और भी तरीके हैं। जी हाँ, गुड बाय मैडम। मोना की माँ, मोना का रिश्ता राय साहब से करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी बच्ची का दिल ना टूटने दूंगी। भगवान मदद करेंगे, मोना और मनोहर को और नौकरी मिल ही जाएगी। बच्चे अक्सर कड़वी दवाई पीने से इनकार किया करते हैं, मगर माँ बाप को तो अपना फर्ज अदा करना ही पड़ता है। खामखा शादी भी की और नौकरी भी गई। खामखा शादी की? अरे मेरा मतलब है अभी क्या जरूरत, वक्त आने पर हो जाती। अच्छा, तो शादी सिर्फ नौकरी के लिए की थी और मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा से चाहता हूँ। अरे नहीं भाई, ये बात नहीं भाई। क्या तुम हो ही बड़े धोखेबाज, पहले धोखे से नौकरी कर ली, अब धोखे से शादी। देखो मोना, खामखा मेरे गले मत पड़ो, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। दुखी हो तो अपना रास्ता नापो, ऐसे पति का क्या फायदा। शादी का ये अपमान? शादी दिल से होती है, सिर्फ कानून से नहीं। मुझे भी तुम्हारा पति कहलाने का कोई शौक नहीं है, समझे? तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापता हूँ। अरे भाई, मैं आप ही को देख रहा था। आप क्या जी, अब तो सारी दुनिया देख रही है कि इस आदमी ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। अच्छा, तो अब तुम हरेक के सामने मेरी बदनामी पर उतर आई हो, अच्छी बीवी बनी। बीवी बनी कहा साहब? लो और सुन लो, दुनिया तुम्हारे मुतालिक क्या कह रही है। अभी तो शादी का पहला दिन है, मैं तो तुम्हारी शक्ल से बेजार हूँ। मुझे भी वही बाजार पसंद है। मगर आपकी शादी नहीं हुई। ठीक कहते हैं आप, ये शादी क्या खाना बर्बादी हुई है। अच्छा देवी जी नमस्कार, अब अपना रास्ता देखो। मगर आप कभी एक हुए नहीं। अरे ना हुए ना होंगे, और ना होना चाहिए। मगर मेरी भी तो सुनिए अजी, सुनिए। चलो शादीशुदा आदमी सिर्फ शादी में ही दिलचस्पी ले सकता है, काम में नहीं। और फिर राग विद्या की रिसर्च के काम में तो शादीशुदा आदमी बिल्कुल बेसुध है, क्यों कृष्णा जी? जी ठीक है जी। तो इसीलिए प्रोफेसर कृष्णा और मैं सिर्फ कवारों को ही अपनी संगीत सभा में नौकर रखते हैं, ताकि वो अपने तन मनो जान से राग विद्या की सेवा कर सके। हाँ तो श्रीमान जी, आप हमें यकीन दिलाते हैं कि आप कवारे हैं और सदा कवारे रहेंगे। जी हाँ, मुझे भी शादी से सख्त नफरत है। जी हाँ। आपको शादी से नफरत है? मुझे भी। तो आप आज से हमारी संगीत सभा के प्रोफेसर बना दिए गए हैं और आपकी तनख्वाह 300 रुपए माहवार हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं कृष्णा जी, आप इन्हें रहने का कमरा दिखा दीजिए, वहाँ 3 नंबर कमरे के साथ। बिल्कुल ठीक है, चलिए श्रीमान जी। स्कूल तो अच्छा है, बहुत अच्छा।
जी जहाँ अच्छे आदमी आ जाएं वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है। जी मेरा मतलब है अच्छी जगह पे अच्छे आदमी हो तो बहुत अच्छा होता है। चलिए ना वो है आपका कमरा, चलिए। ये है आपका कमरा जी। आपके साथ वाले कमरे में एक और प्रोफेसर है, आपका पानी और बिजली उनके साथ इकट्ठे है। अगर आपका नल चल रहा हो और उधर से खोल दिया जाए तो आपका पानी बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी उनसे झड़प हो जाए तो अपना रोटी पानी बंद। बिल्कुल ठीक। अच्छा तो आप नहा धो दीजिए। अच्छा फिर मिले। नल बंद हो गया। ओ जी मिस्टर, जरा नल बंद कर दीजिए, मेरी आंखों में साबुन चला गया है। अजी मैं मिस्टर नहीं, मिस हूँ। मुबारक हो, मगर जरा नल तो बंद कर दीजिए। आप ही बंद कर दीजिए ना। मगर पहले मैंने खोला है। मैं पहले से यहाँ रहती हूँ। अरे साहब, रहने का नल से क्या ताल्लुक? वही जो नल का रहने से। अरे साहब जल्दी बंद कर दीजिए, मेरी आंखों में सब साबुन चला गया। अच्छा हुआ साबुन से आंखें साफ हो जाती हैं। अरे बंद कर दीजिए साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत साफ हो जाए। बड़ी मुश्किल से एक झगड़ालू लड़की से छुटकारा मिला था, अब दूसरी मिल गई। वारी किस्मत। जी मेरी भी यही कहानी है। अरे आपकी तो आवाज भी उस मनुष्य से मिलती है। और आपकी भी उन्हीं से मिलती है। अरे मोना। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? अरे तो तुम ही छोड़ दो ना। पहले मैंने यहाँ नौकरी की है, समझे? जी हाँ, अपने आप को कमारी बताकर हैं। और तुमने अपने आप को शादीशुदा बताया होगा। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो ये नौकरी भी जाती रहेगी, समझी? मैं फिर माता पिता को यहाँ आने के लिए लिख चुकी हूँ और अब तुम आ गए मुझे निकलवाने के लिए। अरे आहिस्ता रो, नहीं तो उम्र भर रोना पड़ेगा। अरे अगर उन लोगों को पता चल गया कि हम शादीशुदा हैं तो वो सीधा जेल भिजवा देंगे। उन्हें तो ये जतलाओ कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, समझी? क्यों श्रीमान जी? अरे नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए आइए आइए। ये ठीक है कि पड़ोसियों को एक दूसरे से खुद ब खुद वाकफियत कर लेनी चाहिए, मगर इतनी जल्दी क्या थी? मुंह पे साबुन और नीचे स्टूल? जी नहीं, ये बत्ती जरा खराब हो गई थी, इसे ठीक कर रहे थे। इसे ठीक कर रहे जी। अच्छा अच्छा, तो मैं आपकी वाकफियत करा दूं। आप हैं कुमारी मोना देवी जी और आप श्री मनोहर। नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ तो श्रीमान जी, मैं आपसे ये पूछने आया था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं नहीं, कोई नहीं, अभी मिलके हुई है बस। मोना देवी जी, आप मुंह हाथ धो के दफ्तर में आ जाइए। बहुत अच्छा। देखा, अभी भांडा फूटने वाला था। चलो अब उतरो नीचे। मार दिया जालिम। जब से आपको देखा है मेरी आंखों की नींद ही चली गई है, दिल को चैन नहीं, क्या करूं? आज मैं मोना देवी को अपना प्रेम जतला के ही छोड़ूंगा।
आज बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। जी मैं आ गई, आपने बुलाया था। मोना देवी जी, जब से आपको देखा है जी, जब से आपको देखा है मेरी आंखों की रोशनी ही जाती रही है जी। माफ करना, मैं ये एक नया गीत लिख रहा था, आपको कुछ काम है? आप ही ने तो बुलाया था। हाँ, वो आपने भैरवी रागों की लिस्ट बना ली? बना रही हूँ। तो बना के ले आइए। बहुत अच्छा। लो, आज भी गया। ना जाने लोग औरतों को कैसे काबू में कर लेते हैं। शाबाश, अब आपने देख लिया कि इस गाने में दो रागों की मिलावट। यही तो मैं भी इनको बता रही थी कि अकेला राग भी सूना और फीका होता है। बिजली और झुंझुनाहट भी तो दो को मिलाने से पैदा होती। अच्छा, आज का लेक्चर खत्म, कल फिर भैरवी पर बहस होगी। रूप के रीछे प्रीत क्या जाने जी। भैरवी यही है ना? जी हाँ, भैरवी के सुर बड़े मधुर होते हैं। जब दो दिलों के सुर मिल जाते हैं तो बहुत ही मधुर हो जाते हैं जी। मेरा मतलब है कि मोना, ओह, मुझे तो दूसरी क्लास लेनी है। अच्छा अच्छा, दो दिलों के सुर मिल रहे हैं, खूब लेक्चर हो रहा है। अरे नहीं मोना, तुम तो हर बात को गलत समझती हो। या मेरी समझ में फर्क है या आपके चाल चलन में, ये अच्छी पढ़ाई है। तुम्हें क्या, तुम कोई स्कूल की इंस्पेक्टर हो? स्कूल की इंस्पेक्टर तो नहीं, मगर तुम्हारी तो हूँ। ये मत भूलिए जनाब कि मेरी और आपकी शादी हो चुकी। जासूस बनने की कोशिश न करो मोना। क्यों ना बनू, तुम्हारा क्या एक बार, कौन जाने तुम कृष्णा से आंख में चोली खेलने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा जी, तो गया तुम्हारा बड़ा एतबार। अरे कल ही तो प्रोफेसर आनंद के साथ बड़ी घुल मिलकर प्राइवेट बातें हो रही थी। ऐसे रसिया का, ऐसे बलमा का क्या एतबार, एतबार झूठा प्यार। ऐसे रसिया का, ऐसे बलमा का क्या एतबार झूठा प्यार। जाके मन में बसा मुइया सा तन का प्यार, जाके मन में बसा मुइया सा तन का प्यार। सा तन का प्यार ऐसे रसिया का, ऐसे बलमा का क्या एतबार, एतबार झूठा प्यार। ऐसे गोरी का, ऐसी छोरी का क्या एतबार, एतबार कैसा प्यार। जाके मन में बसा रामा गैरों का प्यार, जाके मन में बसा रामा गैरों का प्यार। गैरों का प्यार ऐसी गोरी का, ऐसी छोरी का क्या एतबार, एतबार कैसा प्यार। हमसे तो झूठी मोहब्बत जताए, वैरों से छिप छिप के नैना मिलाए, वैरों से छिप छिप के नैना मिलाए। काहे रह रह के देखा है हाल, एतबार झूठा प्यार। ऐसे रसिया का, ऐसे बलमा का क्या एतबार, एतबार झूठा प्यार। हमसे तो बोले तुम्हारी मुराजा, अजी हमसे तो बोले तुम्हारी मुराजा। औरों से बोले निगाहों में आ जा, औरों से बोले निगाहों में आ जा। आंखें गैरों से करती है चार, एतबार कैसा प्यार।
ऐसी गोरी का ऐसी छोरी का क्या एतबार एतबार कैसा प्यार के दिल में बसा रामा वैरों का प्यार सौतन का प्यार ऐसे रसिया का ऐसी गोरी का ऐसे बलमा का वो ऐसी छोरी का क्या एक बार कैसा प्यार। आपने मुझे याद किया है? आओ भाई आओ। मान गए यार, तुम तो पूरा उस्ताद निकले। जी बस थोड़ा बहुत जान। थोड़ा बहुत क्या यार, तुमने तो पहले दिन ही मैदान मार लिया। ये तो आपकी हिम्मत अफजाई है, मैं तो डर रहा था कि। अजी डरने की इसमें क्या बात है, बैठिए बैठिए। यहाँ शादी की मनाई है, मोहब्बत की नहीं। मोहब्बत तो राग विद्या की जान है जान। मोहब्बत हमें बनाते हो उसका। कृष्णा की एक एक नजर से तुम्हारी मोहब्बत चमकती है, तुम पे लट्टू हो गई है लट्टू। कृष्णा मुझ पर लट्टू हो गई है? अरे मैं चोरी चोरी तुम्हें देख रहा था, अब छुपाओ मत दोस्त। हमें भी बताओ दिल लेने की तरकीब क्या है। मगर आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो समझ गया हूँ। अब ये बताओ कि औरत को इतनी फुर्ती से राम करने की तरकीब क्या है। ये तो बाएं हाथ का कर्तव्य है। जब मैं कॉलेज में था तो सब लड़कियां खादिम पर जान देती थी। अच्छा तो यार हमें भी इस कर्तव्य में अपना शागिर्द बना लो। अपने भी दिल रखते हैं मगर ना जाने क्यों लड़की हमारी तरफ देखती ही नहीं। लड़की आपकी तरफ नहीं देखती? आज ये नुस्खा हमसे लीजिए, फिल्मी मोहब्बत कीजिए। फिल्मी मोहब्बत? जी हाँ। वो कैसे होती है? पहले लड़की के बालों पर बड़े प्यार से हाथ फेरिए, फिर उसे अपनी तरफ घसीट कर कहिए मुझे तुमसे प्यार हो गया। अच्छा हाँ। मगर ये है कौन? तुम अब तक नहीं समझे? कृष्णा। अरे नहीं यार, दूसरे की चीज पे नजर रखना महापाप है। और कौन हो सकता है? अरे मोना। मोना? हाँ पटाखा है यार। मगर वो तो मेरी क्या? मेरी पड़ोसन। अरे पड़ोसन है ना, जब बीवी तो नहीं। जी हाँ। बस उसको बालों से पकड़कर अपने करीब लाकर कहूंगा मुझे तुमसे प्यार हो गया। ओहो जरा सुनिए, बात ये है कि नुस्खा बताने में जरा सी गलती हो गई। आपको पहली मंजिल बताए बगैर मैं दूसरी मंजिल पर चढ़ा दिया। तो मोहब्बत की मंजिलें भी होती हैं? जी हाँ बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के मकान की मंजिलें होती हैं। तो पहली मंजिल क्या है? नफरत। बिल्कुल नफरत। नफरत? जी हाँ। जब वो आपकी तरफ देखे तो फौरन मुंह मोड़ लीजिए। जब वो आपको गाना सुनाने लगे तो कानों में उंगलियां दे लीजिए और कहिए कि क्या भैंस की तरह अड़ा रही हो। पर मुझे तो दूसरी मंजिल का तरीका बहुत पसंद है, बालों को पकड़ के। ओहो, लेकिन जरा सुनिए तो, अगर आप एकदम दूसरी मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। मैं जैसे बताता हूँ वैसे कीजिए, फौरन राम हो जाएगी। फौरन? पहले जरा घबराएगी लेकिन फिर बाहें डाल देगी। अच्छा तो जैसा तुम कहते हो वैसा ही करूंगा। तो लो आज से मोना देवी से नफरत। बल्कि नौकरों का सा बर्ताव। हाँ। ये करो वो करो, गेट आउट। हाँ। नफरत ये करो वो करो, गेट आउट। नफरत बस आदमियों को काबू में करने का यही एक तरीका है। मगर अभी तो तुमने कहा था कि वो तो मोहब्बत की दूसरी सीढ़ी है। मुझे तो दूसरी अच्छी लगती है, मनोहर की आंखों में आंखें डाल। अरे रे 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 रे, ये ना कर बैठना, इस तरह कभी कामयाब ना हो सकोगी। तुम्हारी तरफ देखे तो मुंह मोड़ लो, गाए
तो कहो कौन गधा गा रहा है। अजीब बकायदा परेड करवाओ, उठो बैठो, गेट आउट शट आउट। अच्छा बोले तो कहूं शट आउट, और अगर मेरी तरफ देखे तो मुंह मोड़ लूं, गाए तो कहूं कौन गधा गा रहा है, बस मेरे दांव में आ जाएगा यकीनन। मगर कहीं शड़क कहने से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अजी बिल्कुल नहीं, ये तो मर्दों की फितरत है, जितना धुतकारा उतना पीछे पीछे आते हैं। मैं तो समझती थी कि ये औरत की फितरत है। तुम नहीं जानती, मुझे आदमियों का बहुत तजर्बा है। आदमियों का? अरे नहीं नहीं, शादी का। शादी का? मेरा मतलब मेरी होने वाली थी ना। अच्छा तो क्या कहूँ, उठो बैठो गेट आउट शट आउट। बिल्कुल ठीक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे गलियाओ शाम अखियां बिछाए हो जी, अखियां बिछाए। हमारे गलियाओ शाम अखियां बिछाए हो जी, अखियां बिछाए। फागुन की रुत है फागुन मनाए, ओ फागुन मनाए हो जी, अखियां बिछाए। हमारे गलियाओ शाम अखियां बिछाए हो जी, अखियां बिछाए। तोबा तोबा, बंद करो बंद करो। जी क्या भैंस की तरह अड़ा रही हो? जी 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 मत करो, खड़ी हो जाओ, बैठ जाओ, डरो। जी नफरत, मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारी आवाज से नफरत। हाँ मेरी तरफ देखो ताकि मैं अपना मुंह मोड़ लूं। मोना देवी क्या कहूं क्या ना कहूं। मोना मोना देवी, जानती हो तुम आज तक मेरे नजदीक क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि मैं तुम्हें मोहब्बत की पहली मंजिल पे लाए बगैर दूसरी मंजिल पे ला रहा था। तुम? हाँ हाँ हाँ, घबराओ नहीं घबराओ नहीं, तुम्हारा वार बिल्कुल खाली नहीं गया। मगर वो तो कमरा खाली कर गई। यही तो कमाल है कि मोहब्बत की पहली मंजिल में कमरे खाली हो जाते हैं। हाँ। और दूसरी मंजिल में भर जाते हैं। हाँ। अगर इसी नुस्खे का इस दो दिन इस्तेमाल रखोगे तो छत पे पहुंचा दूंगा। अच्छा हाँ। तो छत पे तो प्रेम का झूला झूलने में खूब मजा आएगा। खूब मजा आएगा। धन्यवाद मनोहर बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी मोना देवी के पीछे जाता हूँ। जाओ जाओ फौरन जाओ। हाय रे बुढ़ापे का इश्क। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ। मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा। ये कौन गधा गा रहा है? गधा जी ये तो मैं गा रहा था। शरा कृष्णा देवी, पहले तो आप बड़े प्यार से बातें करती थी, आज आपको क्या? पहले मैं दूसरी सीढ़ी पे चढ़ रही थी, अब वो मेरी भूल थी और अब मैं पहली सीढ़ी से शुरू कर रही। ओह अब समझा। खड़ा जा बैठ जा गेट आउट। आखिर बात क्या है? कुछ भी नहीं, आप मेरी तरफ देखिए, मैं उधर मुंह मोड़ लूंगी। माफ कीजिएगा मुझे इतनी फुर्सत नहीं। अच्छा तो ये मोना देवी की कारस्तानी है। आइए आइए
मैं आप ही को ढूंढ रही थी। जी, और मैं भी आप ही की तरफ जा रहा था। आजकल कृष्णा को मोहब्बत की पहली मंजिल पर पहुंचाया जा रहा है। जी, आप अनंत को मोहब्बत की पहली मंजिल पर पहुंचा सकते हैं तो मैं कृष्णा को नहीं? तो साफ क्यों नहीं कहती कि आपको अनंत से मोहब्बत हो गई है और आपको कृष्णा से? मुझे कृष्णा से? लेकिन इससे आपका मतलब? जी, मुझे अनंत से मोहब्बत है, आपको इससे वास्ता? अच्छा, तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं? ये मत भूलो कि तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। और तुम भी मत भूलो कि मेरे पति बन चुके हो। आदमी की बात और है, पत्नी का धर्म पति सेवा और पति का धर्म प्राय स्त्री। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा आनंद के साथ इस तरह आजादाना गुफ्तगू करना पसंद नहीं कर सकता। और मैं भी तुम्हारा कृष्णा के साथ इस तरह मोहब्बत की रहस्य बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर अब के तुमने आनंद के साथ ज्यादा घुल मिल के बातें की ना, तो इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला। तो मेरे नाखून भी बहुत तेज है। अच्छा, ये बात है? अरे भाई, क्या हो रहा है? आखिर बात क्या है? जी जी, कुछ नहीं, एक नए संगीत ड्रामे की रिहर्सल कर रहे। संगीत ड्रामा? जी हाँ, संगीत ड्रामा। और ड्रामे के साथ गाना भी है। ओह, अच्छा, गाना भी है, जरा हम भी सुने। आओ कृष्णा जी। मगर हसीना है बेखबर, जरा देख चुप के से एक नजर, मैं हूँ बेकरार, नहीं नहीं मुझे तुझसे प्यार, नहीं नहीं मगर हसीना है बेखबर। मगर हसीने से नौजवान ना सुना मुहब्बत के दास्तां, तेरा एक बार, नहीं नहीं मुझे तुझसे प्यार, नहीं नहीं कहे अगर तो मैं जानू दिल, तू कहे अगर तो मैं जानू दिल, तेरी एक निगाह पे वार दूं, तेरी एक निगाह पे वार दूं, मैं फलक के तारों को नोच कर, मैं फलक के तारों को नोच कर, तेरी ओढ़नी को सवार दूं, तेरी ओढ़नी को सवार दूं, मगर हसीना है बेखबर, जरा देख चुपके से एक नजर, मैं हूँ बेकरार, नहीं नहीं मुझे तुझसे प्यार, नहीं नहीं मगर हसीना है बेखबर। मगर हसीना है बेखबर, मैं हूँ बेकरार, नहीं नहीं मुझे तुझसे प्यार, नहीं नहीं मगर हसीना है बेखबर। मगर हेलो मिस्टर मनोहर। आइए आइए आनंद बाबू। अरे वाह, ये आज क्या आलू बुखारे से बन गए? क्यों, ठीक नहीं क्या? वाह वाह, क्या बात। पर दोस्त, मोहब्बत की पहली मंजिल बहुत कड़ी है,
तुम्हारा नुस्खा तो बिल्कुल ही उल्टा पड़ा। ओहो आनंद बाबू, घबराने की कोई बात नहीं, पहले पहल तो ऐसे ही होता है, बस डटे रहो। नहीं यार, मैं तो मोहब्बत की दूसरी मंजिल पे पहुंचने लगा हूं। हाँ नहीं नहीं आनंद बाबू, ऐसा ना करना, बिल्कुल फेल हो जाओगे। फेल हो जाऊंगा? हाँ। मैं तो आजमा भी चुका हूँ। हाँ आजमा भी चुके और बड़ी कामयाबी के साथ। मोना देवी ने आज चोरी चोरी मिलने का वायदा किया है। चोरी चोरी? हाँ, मैंने उससे कहा कि संगीत के बारे में मुझे कुछ खुफिया बातें करनी है। हाँ लेकिन कहाँ? बागीचे में, पेड़ के अंधेरे में। बस अब किसी से कहना नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। आज ही दूसरी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा? बालों को पकड़ के अपने करीब ला के कहूंगा मुझे तुमसे प्यार हो गया। हो गया हो गया, हो गया। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वक्त पीरी शबाब की बातें। क्यों कृष्णा जी, क्या हुआ? हाय हाय, ये क्या तितली सी बनकर आ गई हो? वाह वाह, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारी बतलाई तरकीबें सब फेल हो गई। फेल हो गई? हाँ, आखिर वही पुरानी लैला मजनू की तरकीब काम आई। क्या मतलब? आज रात को मनोहर ने मुझे बागीचे में मिलने का वायदा किया। बागीचे में? हाँ हाँ, आज रात को पेड़ के नीचे अंधेरे में। अंधेरे में? गुड लक। मगर इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जरा यूं ही चांदनी रात में सैर करने को निकली। अच्छा, और आप? मैं भी जरा यूं ही चांदनी रात में सैर करने को निकला। लेकिन आज चांद है कहाँ? चांद नहीं है, मगर तुम्ही ने तो कहा था, मैंने समझा शायद होगी। तुम जा रहे हो ना? मैं नहीं तो, मगर तुम बेशक चली जाओ। जी नहीं, मैं तो यही बाग में आराम करूंगी उस बेंच पर, समझे? अरे बाप, बड़ी अच्छी सलाह। चलो हम भी बैठ जाएं। आपकी मर्जी। ओह तुम? आ? इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूं ही जरा चांदनी रात में सैर करने को निकली थी। और आप? मैं भी जरा चांदनी रात में। ओह मोना जी, आप यहाँ कैसे? मनोहर तुम भी यहाँ? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जी हम भी जरा चांद का इंतजार कर रहे हैं। क्यों मोना जी? आप भी बैठिए ना, आइए। जगह तो अच्छी है, मैं यहाँ बैठ। और मैं यहाँ बैठ जाऊँ? आप यहाँ जाइए। कृष्णा जी आप यहाँ आ जाइए, आइए ना। अच्छा है। अरे हाँ, खूब याद आया मोना देवी, मुझे तो आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, किसी काम के सिलसिले में। एक तरफ आ जाइए तो अच्छा रहेगा। यही कर लीजिए ना, शायद हम लोग भी कुछ सलाह दे दें। अच्छा बेवकूफ। मनोहर बाबू, मेरे ख्याल में हम इधर टहलते हैं, इतने में ये दोनों बात भी कर लेंगे। हाँ। चलिए ना। अरे नहीं नहीं, कोई खुफिया बात थोड़ी है, यहीं पे थी। कैसी सुहानी रात है, फूलों की भीनी भीनी खुशबू। जी हाँ। आपको शायद रात को नींद नहीं आती? कुछ कम ही आती है। फूलों की भीनी भीनी खुशबू। जी नहीं है काबू।
क्यों जनाब? क्यों साहब? अब जवाब दो। जवाब तुम? जी मैं। रात को कृष्णा से खुफिया मुलाकात का वादा क्यों किया था? खुफिया मुलाकात? कौन कहता है? कौन कहता है? कृष्णा ने खुद मुझे बतलाया है, समझे? और तुमने जो आनंद से मिलने का वादा किया था? कौन बकता है? आनंद बकता है। और मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि अगर आइंदा आनंद से ऐसी वैसी बातें करोगी तो तुम्हारा गला घोंट दूंगा। तुम कौन होते हो मेरा गला घोंटने वाले? तुम्हारा पति, कानून की रूह से। और उसी कानून की रूह से मैं भी तुम्हारा। अच्छा तो ये बताओ, कृष्णा से प्रेम करने का क्या मतलब है? कृष्णा से प्रेम? इस सरासर बकवास है, मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है। और मुझे आपकी। अच्छा जी, तो आपको मेरी शक्ल से नफरत है? जी। कौन? मैं हूँ कृष्णा, जरा दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? अब बातें मत बना, मुझे इस तरह यहाँ देख लिया तो फौरन डिसमिस कर देंगे। तुम हमेशा मुसीबत डालोगे कुछ ना कुछ, कहीं छुप जाओ। अलमारी में, अलमारी में। जरा चूहों से होशियार। नमस्ते। नमस्ते। उठ गए? जी हाँ, अभी अभी उठा हूँ। डाले, मैंने सोचा अब हमें अपनी मोहब्बत छिपाने से कोई फायदा नहीं। अपनी मोहब्बत? हाँ, अब तो धूमधाम और धमाकों के साथ जाहिर कर ही देनी चाहिए। मगर मनोहर बाबू, दरवाजा नहीं खोलोगे? आनंद बाबू। आनंद बाबू? हाँ। अब क्या होगा? आनंद बाबू ने देख लिया तो? चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। मालूम ये है। जी अभी आया। आइए। अरे भाई क्या बात है, आज चटखनी लगा के सो रहे हो? बात यह है कि रात जरा बाप में देर तक तफरी की थी, इसलिए बड़े आराम से सो रहा था। ये खुशबू कैसी है? खुशबू? ये तो मोना के इत्र की खुशबू है। अरे नहीं नहीं, ये तो मरी हुई चुहिया की है। अच्छा मनोहर, तुमने रात गजब कर दिया। मैंने लाख कोशिश की कि मोना को एक तरफ ले जाऊं, मगर तुम खामखा कोई ना कोई अड़चन डालते रहे। बात यह है कि मैं डर रहा था कि शायद मोना तुम्हारे साथ अकेली जाती हुई घबराए। अरे घबराए? अरे वो तो पल पल इशारे कर रही थी। इशारे कर रही? हाँ, और पीछे से चुटकियां ले रही थी। मगर तुमने ऐसा मामला चौपट किया कि क्या कहूं। चुटकियां ले? हाँ, वो मुझसे मरने लगी है। मरने लगी है? हाँ, पर यार तुमने भी कृष्णा पर कम जादू नहीं डाला। नहीं साहब, वो तो मुझसे नफरत करती है। अरे रहने दो कसरे नफसी, वो तो तुम्हारे नाम की माला जपती है। मैं देख रहा था कैसे पीछे से तुम उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठे थे। नहीं आनंद बाबू, आपको गलतफहमी हुई होगी, वो तो मैंने खुद अपना हाथ पकड़ रखा था अपने हाथ में। बाप रे, तुम नागिन मेरे ही आदमी को डस रही है। आप मेरी बीवी पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकती। बीवी? अच्छा, तो इस चुड़ैल ने तुम्हारे साथ ब्याह भी कर लिया है? मिस कृष्णा, आप मेरी बीवी के साथ इस तरह का सुरूप नहीं कर सकती। तो ये सचमुच तुम्हारी बीवी है? जी हाँ बेशक। यू चीट दगाबाज, मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। देखिए प्रोफेसर साहब, मैं अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती, समझे? तुम दोनों को डिसमिस किया जाता है अभी। आप कौन होती है जी ऑर्डर देने वाली? मैं ऑर्डर दूंगा, तुम दोनों डिसमिस, गेट आउट। डिसमिस? हाँ। चलिए डार्लिंग, अब हम इन बदमाशों के पास एक मिनट भी नहीं ठहर सकते। चलिए जी। चलो ये नौकरी भी दूर। नौकरी दूर हुई तो क्या, हम तो नजदीक हो गए। जी ऐसी नजदीकी से तो आप दूर ही भले थे, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला ही करोगे। चलो अब फिर बिस्तर गोल। मोना एक पल तो रुक जाओ। एक पल? हाँ। लो एक पल हो गया, करियो।
एक पल रुक जाना सरकार, न मारो दो नैनों की मार, के एक पल रुक जाना, एक पल हट जाना सरकार, झूठे तुम हो तुम्हारा प्यार, के एक पल हट जाना। कित चले हमें तड़पा के, एक रंग नया दिखला के, कित चले हमें तड़पा के, एक रंग नया दिखला के, एक पल रुक जाना सरकार, न मारो दो नैनों की मार, के एक पल रुक जाना, एक पल हट जाना सरकार, झूठे तुम हो तुम्हारा प्यार, एक पल हट जाना। तो हो गए हैं बेकार, मांगे चल कर कहीं उधार, एक पल हट जाना, के एक पल रुक जाना सरकार, न मारो दो नैनों की मार, के एक पल रुक जाना। ये दिल फटने की बातें, हमसे दूर हटने की बातें, ये दिल फटने की बातें, हमसे दूर हटने की बात, के एक पल रुक जाना सरकार, न मारो दो नैनों की मार, के एक पल रुक जाना, एक पल हट जाना सरकार, झूठे तुम हो तुम्हारा प्यार, के एक पल हट जाना। हट जाना सरकार, झूठे तुम हो तुम्हारा प्यार, एक पल हट जाना, के एक पल रुक जाना सरकार, झूठे तुम हो तुम्हारा प्यार, के एक पल रुक जाना। आओ बैठो, कुछ जिंदगी का प्रोग्राम बनाए। कहो। अब तो घर बार और बाल बच्चों की भी फिक्र करनी पड़ेगी। एक दिन मियां बीवी से माँ बाप बन जाएंगे, और फिर जब मैं दफ्तर से वापस आया करूँगा तो तुम कहोगी मुन्ने के लाला। मुन्ने के लाला घर है कहाँ? ओहो, तुम तो सपने तोड़ देती हो। तुम कहोगी मुन्ने के लाला दफ्तर से वापस आ गए। दफ्तर कहाँ है, वहाँ से तो निकाले गए हैं, पहले नौकरी ढूंढो लाला बनना, समझे? हाँ, अब यही करूँगा। नमस्ते जी। नमस्ते भाई। नमस्ते। शायद आपने मुझको पहचाना नहीं। नहीं भैया, माफ करना। हाँ, जिस अदालत में आप शादी करवाने आए थे। ओ मुंशी जी, जी, हाँ, जी हाँ। शायद इनाम लेने आए हैं। इनाम क्या दे भैया, यहाँ तो नौकरी नहीं। अजी आप नौकरी को रोते हैं, आपकी शादी ही नहीं। हाँ, जिन मजिस्ट्रेट साहब ने आपकी शादी करवाई थी उनको बाद में पता चला कि वो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए आपकी शादी नाजायज है। यानी कि हमारी शादी नहीं हुई? जी हाँ, आप किसी दूसरी अदालत में जाइए और शादी करवाइए। मैं तो पहले भी कहने की कोशिश कर रहा था मगर आपने मेरी सुनी नहीं। आ, आ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और हम अपने आप को अब तक शादीशुदा समझ रहे थे। चलो शादी तो फिर हो जाएगी, मगर आइंदा प्रोग्राम क्या है? अरे ये देखा आपने, हमारे शिमला कॉलेज में म्यूजिक कॉम्पिटिशन, 5,000 रुपए इनाम। 5,000? इस सामान को पूर्ण करवाकर आपको क्या मिल जाएगा राय साहब? आदमी को इस कदर संगदिल नहीं होना चाहिए। जी राय साहब ने नरम दिली से काम लेकर देख लिया है, आपकी कुनकी अभी होगी।
तुम शहर चले जाओ और मैं पैसों के इंतजार में यहाँ बैठा रहा हूँ। राय साहब, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मोना की माँ अंदर बीमार पड़ी है, जरा अच्छी हो जाए तो। मोना की माँ के अच्छे पूरे होने से राय साहब के पैसे तो नहीं मिल जाएंगे। जरा आहिस्ता बोलिए राय साहब, मोना की माँ ने सुन लिया तो बेचारी और भी परेशान होगी। आहिस्ता बोलिए। आहिस्ता कैसे बोलूं? एक तो कर्जा देना, ऊपर से रो। मगर राय साहब, मोना की पिता आया। मोना की माँ, अभी आता हूँ। मोना के पिता, क्या फायदा? राय साहब से कह दो कि हम मोना के साथ उनका रिश्ता कर देंगे। मगर मोना की माँ, मोना को ये बात लिखनी ही पड़ेगी। जल्दी करो, यहाँ हॉकी का मैच शुरू होने वाला है और तुम अभी तक स्केट पहन रही हो। देखा देखा, क्या हुआ? कोई भूत देखा है क्या? भूत ही नहीं, भूत के साथ भूतने भी। वो देखो। ओ, मोना और मनोहर, ये कब आए? बिज्जू, बिज्जू तुम जरा मोना के साथ चक्कर लो और मैं। तुम मनोहर को चक्कर दो, हाँ समझ गया। चलो। मनोहर। हेलो शीला। हेलो बिजू। हेलो। तुम कब आए? कल ही आया। अच्छा जी, और हमें इतला तक नहीं की। बात यह है कि कुछ एकाएक प्रोग्राम बन गया था। यो शीला, कैसे हो? ठीक हूँ। आओ मोना, तुम्हें स्केटिंग का लेटेस्ट स्टाइल सिखाऊं। गिरने वाला? पहले स्केटिंग खुद से सीखो। जाओ बिजू, तुम भी स्केटिंग करो। मनोहर, अच्छे वक्त पर आए। इस साल फिर संगीत का मुकाबला होने वाला है, इसीलिए तो मैं भी आया हूँ। मनोहर, हमें एक गाना बना के दो ना। गाना तो बनाया है, मगर उसे मोना गाएगी। मोना गाएगी? हाँ हाँ, वो देखो अकेली ही स्केटिंग कर रही है। वो देखो बिज्जू साहब भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मनोहर, हमारे लिए गाना नहीं बनाओगे? शीला, मैंने कह दिया ना कि गाना मोना के लिए बनाया है। आओ तुम हॉकी नहीं खेलोगे? चलो।
अच्छा मोना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अभी आऊंगा। अच्छा पिताजी, आप माता जी कहाँ है? वो गांव में ही है बेटी। आपका कैसे आना हुआ? राय साहब आए। नमस्ते मोना देवी। बड़े राय साहब मरते वक्त कह गए थे कि बेटा इतनी ढील कभी मत दो कि डोर खत्म होकर हाथ से निकल जाए और फिर पतंग को रोते रहो। मैं समझी नहीं आपकी बात। बेटी अब इन बातों का वक्त नहीं। मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। तुम्हारी माँ सख्त बीमार पड़ी है, है? हमारे पास तो दवा दारू तक के लिए भी पैसे नहीं। राय साहब का कर्जा बहुत बढ़ चुका है। ये तो इनकी मेहरबानी थी कि पुकी के वारंटों को रोककर इन्होंने हमें मकान में रहने की इजाजत दे दी, वरना तुम्हारी माँ तो कब की मर चुकी थी। इनकी इस मेहरबानी के बदले मैंने तुम्हारी शादी इनसे करने का वादा किया है और अब इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। तुम्हारी माँ की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है बेटा। मैं आपका वादा पूरा करूंगी पिताजी। जाइए, शादी का मुहूर्त निकलवाइए। हाँ निकलवाइए। और फिर पिताजी भी कह गए थे कि बेटा शादी करना तो पूर्णमासी को, यानी आज से आठवें दिन। और फिर आप जाने के आठ दिन तो तैयारी में भी लग जाते हैं। क्यों गणपत राय जी, मेरा मतलब है पिताजी, अब तो आप पिताजी हुए ना। लेकिन एक शर्त है राय साहब। नेवर माइंड, एक शर्त। मुझे तो अब सब शर्तें मंजूर हैं। कहिए। अगर इन आठ दिनों के अंदर आपका कर्ज अदा हो जाए तो पिताजी के वादे का पालन जरूरी नहीं। बड़े राय साहब कह गए थे कि बेटा जो गरजते हैं बरसते नहीं, जो आठ साल में एक पाई न चुका सके वो भला आठ दिन में हजारों की रकम कैसे चुका सकेंगे। मुझे मंजूर है। पिताजी अब जल्दी गांव वापस जाइए, माता जी अकेली होंगी। हाँ बेटा, मैं आज ही चला जाता हूँ। हाँ जाइए और जाकर माता जी को भी खुशखबरी दीजिए, आखिर वो भी तो कुछ तैयारी व्यारी करेंगे। और मैं अभी पूर्णमासी तक यहाँ ठहरूंगा। हाँ और फिर बड़े राय साहब भी तो कह गए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह गए हैं। आप जरा घूम फिर आइए। हाँ, हाँ तो मैं माल रोड तक हो ही आऊँ। हाँ। जी सुनिए सुनिए, मुझे बुलाया आपने? जी हाँ जी, मैंने एक बड़ी सनसनी खेज बात अर्ज करनी आपसे। जी हाँ इधर आइए। हैं? अब समझे राय साहब, मोना ने मनोहर का लिखा हुआ गीत गाया के 5,000 रुपए का इनाम पाया और आपका रुपया मारा आपके मुंह पर। क्यों शीला? ठीक है तो बिज्जू। राय साहब जी, आपने रुपया मिलने पर शादी ना करने की शर्त मानकर साफ गलती की है। अब भी अपने वायदे से लौट जाइए। लौट तो जाऊं, मगर बड़े राय साहब मरते वक्त कह गए थे कि बेटा वादे से कभी मत लौटना। कोई ऐसी बात भी है जो बड़े राय साहब मरने से पहले नहीं कह गए थे? नेवर माइंड। माइंड तो करना ही पड़ेगा। खैर अब किया क्या जाए? अब तो यही है कि किसी तरह भी मोना मुकाबला न जीत सके। हाँ ये तो इसी सूरत में हो सकता है कि मोना इसमें हिस्सा ही न लेने पाए। अब कुछ ऐसा हल्ला गुल्ला करना ही पड़ेगा, समझे? क्या जी जी? हाँ बस अब आप तैयार रहिए, मैं अपना काम करता हूँ। चीरियो। बिच्छू साहब ने खूब सोचा है जी। क्यों इजाजत है? आओ बिच्छू आओ। सुनाओ मनोहर,
किस फिक्र में हो? यार मोना की माँ सख्त बीमार है और उन बेचारों के पास दवा तक के पैसे नहीं। मोना इसी गम में रो रो कर हलकान हो रही है। मैं कहता हूँ अगर यही हाल रहा तो वो मुकाबले में कैसे गाएगी? तुम्ही कुछ पैसे भेज दो ना। मगर यार मेरे पास क्या रखा है? अरे तुम्हारे पास आज है आज, मगर तुम उसकी कीमत ही नहीं पाना जानते। अरे अपने लिए नहीं तो मोना की माता के लिए फिक्र करो ना। अरे मोना की माता के लिए तो मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। तो यूं करो, शीला को संगीत के मुकाबले के लिए गाना सिखा दो ना। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने मोना के लिए गाना लिखा है और उसी के जीतने पर हम दोनों की जिंदगी का दारोमदार है। अरे तुमसे किसने कहा है कि वो गाना शीला को दे दो? आज भी शीला से तुम्हारा जिक्र आया था, उसने भी एक गाना तैयार किया है। अरे वो तो तुमसे एक दो रिहर्सलें चाहती है और उसके इवज में वो तुम्हें एक माकूल रकम देने को तैयार है। बस तुम वही रकम मोना की माँ को भेज दो। मगर यार मेरा इस तरह शीला को संगीत सिखाना मोना को बुरा तो नहीं मालूम होगा? अरे तुम्हें किसी डॉक्टर ने कहा है कि जो कुछ करो मोना को बताकर करो? औरतों को सब बातें नहीं बताई जाती। चलो। अच्छा यार चलो। तुम लाया है रंगी बची है कभी सुरीली भी ऐसे में हाले 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 राम। भाई वाह, गाना तो बुरा नहीं। आ बिजू, ये मनोहर गीत तो खूब लिखता है। दिल से जो चीज की जाए वो हमेशा अच्छी होती है। जी हाँ, मगर जगह जगह भी दिल लगाना अच्छा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मनोहर ने जो गीत शीला के लिए लिखा है वो भी तो बड़े दिल से लिखा है। शीला के लिए? उसके लिए कौन सा गीत लिखा है? देखिए, मुझे आपके प्राइवेट मामलात में दखल देने का कोई अख्तियार नहीं, मगर आप हैं बड़ी सीधी सादी, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि मनोहर और शीला में कब से खतो किताबें चली आ रही है। वो यहाँ सिर्फ शीला की खातिर आया है। सिर्फ शीला की खातिर? ये सब झूठ है। मानिए या ना मानिए, वो तो हर वक्त खुल मिलकर रहते हैं। यकीन नहीं आता तो चलकर देख लीजिए। नहीं। आइए आइए, चलिए चलिए। मेरे दिल में आई है मेरी
क्यों साहब, क्या कमरा बदला जा रहा है क्या? जी, सभी कुछ बदल रही हूँ। मर गए, मैंने कहा कहीं हमें न बदल दीजिएगा। आखिर बात क्या है मोना? छोड़ दीजिए, मुझे देर हो रही है। कहाँ के लिए? मैं अपने गांव जा रही हूँ। क्यों? मेरी माताजी बीमार है और राय साहब हर रोज उन्हें धमकियां दे रहे हैं। अरे इसीलिए तो इतनी दूर चलकर शिमला आए हैं, ताकि संगीत का मुकाबला जीतकर राय साहब की धमकियों को हमेशा के लिए खत्म कर दें। उनकी धमकियों को खत्म करने का एक और भी तरीका है। और तरीका कौन सा? मेरी और उनकी शादी। अच्छा, तो राय साहब की दौलत पर आखिर आपका दिल भी ललचा ही गया? जी, आखिर दिल ही तो है मेरा राय साहब की दौलत पर और आपका शीला के हुस्न की दौलत पर। दूसरों पर इल्जाम लगाने से अपनी खता नहीं छुप सकती। सच तो यह है कि न तुमको कभी मुझसे प्रेम था न होगा। हमेशा साथ रहने से तुम ये समझने लगी थी कि शायद हम एक दूसरे को चाहते हैं। यूँ क्यों नहीं कहते कि शीला को देखते तुम्हारी पुरानी मोहब्बत फिर से ताजा हो गई है? यूँ ही सही, भगवान करे। मनोहर, सी दिल में लगा कर चल दिए हम, तड़पते रह गए वो मुस्कुरा कर चल दिए। चोरी 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 आगे सी दिल में लगा कर चल दिए हम, तड़पते रह गए वो मुस्कुरा कर चल दिए। चोरी चोरी हमारे हवाले कर दिया। बस अब मोना आपके हाथ
मरने से कुछ देर पहले गाने का मुकाबला बस अब थोड़ी ही देर में शुरू होता होगा। हाँ? मोना को स्टेशन छोड़ने के बहाने कहीं और ले जा चुका होगा। तो अब वक्त थोड़ा है, चलना ही चाहिए। हाँ आप चलिए, मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ। जा रही हूँ बिजु, मैं गांव जा रही हूँ, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। आप इस वक्त कौन सी गाड़ी पकड़ेंगी, कैसे जाएंगी? कुछ भी हो मैं यहाँ से अभी जाना चाहती हूँ। तो यूँ करो, आज की रात तुम मेरी बहन के यहाँ काट लो, कल सुबह की गाड़ी या बस पकड़ लेना, क्या ख्याल है? मेरी बहन यहाँ पास ही मशोबरे में रहती है। चलो ये सामान। ओ इसका बंदोबस्त बाद में हो जाएगा, तुम नीचे आओ, मैं वहां जाने के लिए घोड़ों का इंतजाम करता हूँ। जल्दी आओ। इस घोड़े की जरूरत नहीं, इसको ले जाओ। चल दो भाई। मोना कहाँ जा रही हो तुम? ये फिर बताएंगे। फिर मिलेंगे मनोहर। चलो मोना, मोना जरा ठहरना, जरा ठहरना मोना, मोना जरा ठहरना। लाओ ये का वक्त नहीं।
जल्दी चलना चाहिए। वक्त हो चुका है, मगर मोना दीवी अभी तक हाजिर नहीं। मेरा ख्याल है कि उसकी जगह दूसरी लड़की को मौका दिया जाए। ठीक है, शीला देवी आप शुरू कीजिए। आखिरी बारी मिस शीला की है। मिस शीला बिच्चू, मैं गाना नहीं गाऊंगी। मिस शीला के दुश्मनों की तबीयत जरा खराब है, ये गाना नहीं गाएंगी। जज्जों का फैसला ये है कि अव्वल नंबर में मोना देवी है। मिस मोना देवी आइए, अपने इनाम का चेक लीजिए। मिस मोना,
मिस मोना, मगर मोना देवी तो शादीशुदा है। शादीशुदा है, मगर ये मुकाबला तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए है। जी हाँ, और इनके पति देव मिस्टर मनोहर भी साथ खड़े हैं। ये दोनों मेरे संगीत स्कूल से इसलिए निकाले गए थे कि ये शादीशुदा है। ये झूठ है, हमारे स्कूल से ये दोनों इसलिए निकाले गए थे कि ये शादीशुदा नहीं। नेवर माइंड, आप फरमाइए। मगर ये दोनों कबूल कर चुके हैं कि ये शादीशुदा है, मेरी बीवी गवाह है। जी हाँ, मैं इसकी गवाह हूँ। मेरे भी ये दोनों डायरेक्टर गवाह हैं कि ये शादीशुदा नहीं। नहीं नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड। लेकिन साहब हमारे भी तो सुनिए, जब हम इनके कॉलेज से निकाले गए थे तब हम शादीशुदा नहीं थे, और जब हम प्रोफेसर अनंत के कॉलेज से निकाले गए थे तब हम शादीशुदा थे। हाँ, मैं कह रहा था ना, ये शादीशुदा है। है? शादीशुदा? मगर साहब आप आगे भी तो सुनिए, असलियत ये है कि गो हमारी शादी हुई थी लेकिन फिर भी हम शादीशुदा नहीं हैं। वाह साहब, आपकी शादी भी हुई और आप शादीशुदा भी नहीं? जी हाँ, ऐसे जादूगर हैं ये। बात यह है कि जिन मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी शादी करवाई थी उनको बाद में मालूम हुआ कि उनको शादी करवाने के इख्तियारात ही नहीं है, इसलिए हम शादीशुदा होते हुए भी शादीशुदा नहीं है। असली शादी तो अब होगी। अच्छा, तो ये बात है। मुबारक हो, मुबारक हो। इनाम मिस मोना को मिलना चाहिए। रुको, लीजिए मिस मोना। शुक्रिया। मुबारक हो। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मीटिंग। मिस मोना, अब आप हमारे म्यूजिक स्कूल में जब चाहे नौकरी के लिए आ सकती हैं। शुक्रिया। चलो डार्लिंग, हमारा यहाँ क्या काम? बड़े राय साहब मरने से कुछ देर पहले फरमा गए थे कि बेटा कर्ज वापस करना हो तो कर्ज खा की नाक पे दे मारो। नमस्ते। नेवर माइंड। Ha 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 ha